मानसे नमा। इस तेलुगु शॉर्ट फिल्म ने कमाल कर दिखाया है। हैदराबाद के टैकी युवक दीपक रेड्डी की डायरेक्ट की गई मानसे नमा ने शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में दुनिया में सबसे ज्यादा अवार्ड जीतकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। सिर्फ $5,000 यानी 3,94,000 रुपए के बजट से बनी 16 मिनट की शॉर्ट फिल्म को शिल्पा गजाला ने प्रोड्यूस किया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने 20 मई तक फिल्म को मिले 513 अवार्ड्स की पुष्टि की है। इस शॉर्ट फिल्म को ऑस्कर में भी नॉमिनेशन में एंट्री मिली थी। गौतम वासुदेव मेनन ने इसी फिल्म को बाद में तमिल में प्रेजेंट किया। सूरज का मौसम के 3 चक्रों यानी गर्मी, मानसून और सर्दी से नाता, ऐसा ही शॉर्ट फिल्म का ताना बाना है। फिल्म में सूर्या नाम का युवक चैत्रा, वर्षा और सीता नाम की 3 युवतियों के साथ रहे अपने रोमांटिक रिलेशंस को नैरेट करता नजर आता है। चैत्रा यानी ग्रीष्म ऋतु, वर्षा यानी मानसून और सीता यानी शरद। फिल्म में सूर्या का किरदार एक्टर विराज अश्विन निभा रहे हैं। वहीं फीमेल कैरेक्टर्स में चैत्रा के रोल में दृशिका चंदर, वर्षा के रोल में श्रीवल्ली राघवेंद्र और सीता के रोल में पृथ्वी शर्मा हैं। लोगों में अधिकतर की अतीत से जुड़ी प्रेम कहानी होती है जो जहन में हमेशा ताजा रहती है। अगर कोई अपने अतीत और रिलेशनशिप की कहानी लिखना चाहे और ब्रेकअप का वाजिब कारण ढूंढना चाहे तो नहीं ढूंढ पाता। ऐसे में वक्त को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। शॉर्ट फिल्म की शुरुआत सर्दी के मौसम से होती है, जहां एक कॉफी शॉप में सीता आकर आइसक्रीम का ऑर्डर देती है और कई बार फ्लेवर बदलने के बाद फाइनल ऑर्डर देती है। उसी कॉफी शॉप में सूर्या कॉफी पी रहा होता है। सीता और कॉफी शॉप के स्टाफ के बीच हुई बातचीत को सुनकर सूर्या दर्शकों से मुखातिब होते हुए कहता है, क्या आप जानते हैं कि इन लड़कियों के साथ दिक्कत क्या है? ये सब कुछ अपने मन के मुताबिक होते देखना चाहती हैं, लेकिन ट्विस्ट ये है कि इन्हें खुद ही साफ नहीं कि वो अपने लिए क्या चाहती हैं। फिर सूर्या दर्शकों को अपने अतीत के रिलेशनशिप में झांकने के लिए इनवाइट करता है, जिससे कि वो अपने स्टैंड को जस्टिफाई कर सके। शुरुआत चैत्रा से होती है। यहाँ से चुटीले अंदाज में पिछली घटनाओं को दिखाया जाता है, जैसे कि रिलेशनशिप में होना उतना ही मुश्किल है जितना कहीं जल्दी पहुंचने और देर में भेद कर पाना, या थाला पकड़ती बिरयानी और ओली ब्रिस्टो में अंतर कर पाना, या कार में बैठे हुए राइट और लेफ्ट की पहचान कर पाना। शॉर्ट फिल्म की स्टोरी के साथ कामरान के मधुर संगीत में तैयार कारू विजयी गाने को अच्छी तरह गुथा गया है। चैत्रा के बाद सूर्या के जीवन में वर्षा आती है। कॉफी शॉप में सूर्या के नरेशन का अंत इस जज्बाती लेकिन प्रैक्टिकल स्टेटमेंट के साथ होता है, आपका जो आज है यानी वर्तमान, उसकी अनदेखी सिर्फ इसलिए नहीं की जा सकती कि वो कड़वा है। लेकिन इसी कॉफी शॉप में साथ बैठी एक छोटी लड़की नहले पर दहला मारते हुए दर्शकों से कहती है, देखा आपने, सूर्या ने डिफेंस वकील की तरह हर जगह अपना ही पक्ष रखा, क्या आप हमारा यानी लड़कियों का पक्ष नहीं सुनना चाहेंगे? अगर आप भी इस शॉर्ट फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये YouTube पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, देशनामा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।